हमारी बात कौन सुने? जयपुर आ गया तो थारी बात राजस्थान जयपुर कौन सुने? दिल्ली आबाद। अब वोट कौन से में वो वोट काटने को काम अठगा एमपी और एमएलए ने आपस सगे लेने वास्ते वो तय करियो। जब नहीं आवे तो आपा ने रीस हो एमपी एमएलए आवे क्यों को नहीं? और जब आज जब आपा ने आ रीस हो जाएगा तो इतना दिन कट गएगा वो मौके को काम काट रहे आपा ने बगैर एमपी के दिल्ली वाले बात नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको 18 जुलाई 2022 को 58 घंटे के चक्का जाम के बाद जो समझौता हमारा हुआ उस समझौते में लिखा हुआ था जिला कलेक्टर ने लिख दिया फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर मिले। इस बात का अगर कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उसे राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ अपील समझा जाएगा। राज्य सरकार निर्णय कर करियो 15 फरवरी 2022 से और जिला कलेक्टर अपनी अभिशंसा के साथ उसे राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार अपनी अभिशंसा के साथ भारत सरकार को भेजेगी। जिला कलेक्टर एक फाइल बनाए के जयपुर भेजी जयपुर आ रहा था उन पर मनु भेजे लेकिन अब पर कह मांड ये फिर आगे दिल्ली भेज दी। दिल्ली अरे बोले ये बोल खेला वो तो सिरे फिर मार ले राव ने किया मिले वो ये कलेक्टर और किसान सभा रे कागज के ऊपर अगर मैया की बात मान ले तो सिरे राव ने किया मिले को बा फाइल भेज दी पाछी फिर कलेक्टर साहब एक रस्तो और काटे हे क्या सोचो कि मन की रीस को नहीं आवे थारों कैसी आवे लेकिन मां जी को आदमी बैठे जिको आदमी थारे पक्ष में बढ़िया प्रयास करे बिना पा शाबाशी नहीं दिया और नालायक और निकम्मे लोगा ना पा और मो नहीं दिया तो आपा अपने आंदोलन के प्रति ईमानदारी कौन बरता गुस्सो जाके बैठा शांत हो जाएगा सामने जी को आदमी दिखे वो ईमानदारी प्रयास करने लाग रही। कलेक्टर साहब जिला परिषद की एक साधारण सभा की मीटिंग बनाई भी मैं प्रस्ताव लियो ऐसी का आज आया ऐसे का जिला परिषद का कोई मेंबर है या कोई पंचायत समिति का प्रधान है कोई प्रमुख है एमपी भी बैठे हैं एमएलए बैठे हैं बेटा बोलिया आया ना कि न होगा लेकिन कलेक्टर एक प्रस्ताव रख दियो बोला कि फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से मिलना चाहिए या सैटेलाइट से। अब कौन सा कीमत पर जा सेटेलाइट होकर बोले हाँ 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 कलेक्टर बने सगड़ा की सहमति मान लिए दूसर फाइल बना के फिर भेज दी बा फाइल जयपुर में पड़ी है जयपुर आ रहा दिल्ली में भेज दी दिल्ली आ रहा भी पर मांडियो को नहीं की पाची भेज दी फिर आ रहे दिल्ली आ रहा एमपी साहब को एक लेटर गयो लेटर गए हो के मैं जी की बात बता रहा हूँ कागज पर है सारी चीज हर साम आ जाएगी बहुत जल्दी कलेक्टर साहब दे देगा हम एमपी साहब लेटर लिखो कैलाश चौधरी राज्य मंत्री कृषि भी लेटर गए मैं लेटर गए साहब हूँ कैलाश चौधरी लिख दियो राजस्थान सरकार ने एमपी साहब जी की मांग करे भी मैं राजस्थान सरकार के करीब कागज भेजो मान राजस्थान सरकार के आ होगी बोले अब कल पहल के तो वो किसान सवार दमती है थोड़ा आ गयो अब कल और रावलार की कागज भी आ गयो आपनी तो पक्की कौन लगे ई वास्ते हम पाने हम बोलिया कांग्रेस और अनकार है थे की मान लो धारे हिस्से को सिरे थाने मिल जागो दिल्ली आ रहे हिस्से को सिरे दिल्ली आ रहे मिल जागो ई किसान सभा के लड़ना रहे लोग हम हिस्से को सिरे किसान सभा ने मिल जागो और किसान ने भी वो अधिकार जी को है वो भी मैं रूप में मिल जागो प्रयास वो है मैं उरा आ गया तो हम पर कह दे गया अरे जो उरा नहीं अंतर बार के रजा के हम पर मुर्दाबाद जिंदाबाद करके नेहरी को निर्वाणो क्यों दिया था आपनो लड़ाई को असल मकसद
जो लक्ष्य है वो भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञापन देनो है, दिन के आगे ले लो, आठन के बल आगे ले लो, चाहे दोपहर में आगे ले लो, ज्ञापन देनो है। और ज्ञापन के ऊपर मैं आपकी सरकार बात करे, अन्यथा ज्ञापन देना शोक साग है, वो मिटेड है, बहुत जिंदगी में ज्ञापन दिया। आज का ज्ञापन ले दो एमएलए का प्रतिनिधि, एमएलए एक एमएलए आगे ले गया, दूसरे का प्रतिनिधि ले गया, तड़के प्रश्न वाला केवरो आगे ले ले, केवरो जागे दे दिया। एक बात आपको भी समझनी है और उन जनप्रतिनिधियों को भी समझनी है। ज्ञापन ले गए सिराने ना मिल लियो भी वो लेटर आगे मांड नहीं हो, मैं तेरे पूछना होगा कि मैं तेरे ज्ञापन दियो भी वो थे थारी सरकार में ज्ञापन लिखो भी मैं थारी सरकार खास लोग के करवे जद जागे जीवारी हो सी नहीं आगलो प्रोग्राम उड़ो पछड़ो हो सी नहीं तो तावड़ा क्यों हो जाओ। राजीव का ढाका जी बैठे दो तारीख नया तो एकदम पूरा लाल बंबर का तारानगर सरदार सर का लोग थोड़ा सा पहले पहुंच गया, ऐ थोड़ा सा लेट हो गया कि लंबो अन दिन के लंबो सफर करनो पड़े। अन ध्यान मानिया कि भाई बैरिकेड्स पहले थे उछाड़ दिया है, अन ये लगियो को वो कहा मैं आपको करेड़ो को नहीं हम पानी कर लो है, मैं अन डटन गए तो बोले ना ना डटो ना आज ई वास्ते का 18 जनवरी सु रात और दिन जिया आप दो अंपा दो गुनु बैठा बिया 18 जनवरी में बैठे कै महीना हो गया पेशाब करने वाली जगह जड़ा पेशाब होए मच्छर खाई बड़े बैठा बड़े सोवा बिल्कुल उरे तो साफ सफाई तो खास तौर पर है बड़े साफ सफाई भी कोई लोग बस पेशाब करे बड़े सोता लगातार 18 जनवरी से राजगढ़ के साथी वहां बैठे। अगर एमपी और एमएलए आते ज्ञापन लेने के लिए यहां आग नहीं जावा, लेकिन बना अब दिखी के पेश पड़े धोनी अंग सागे होना पड़ेगा, अंग लड़ाई के मां शामिल होना पड़ेगा, अंग लड़ाई को हिस्सेदार बनना पड़ेगा और अंग बात मनवाण खाता अपनी सरकार बात करनी पड़ेगी। आ समझ में अब आई अंपा इन पक्ष में कोनी है, कोई जनप्रतिनिधि के घरे जाके अंपा रोड़ोगे तो गाला आज अंपा गाना तड़के अंपर ले घर पर भी कोई आओगो गला तो दो रिजोर को आयो। आज का राजनीतिक पार्टी में लोग बैठे है चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो अलग में उठाऊ चुल्ला रहा है हम कोई स्थाई थी को निकली तड़के हम पर लो राज बदल दिया कांग्रेस को आ जाए तो हम पर तो कांग्रेस में जाके राज करना है। गणकरा रहा है के तड़के राज बदल दिया बीजेपी को आ जाए तो हम पर तो जाके बीजेपी में राज करना है। तो आना दफ्तर जी का है आना घर ही है, लेकिन अपना दफ्तर अपना घर को नहीं अपना कार्यालय। राजगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा को कार्यालय, तारानगर में किसान सभा को कार्यालय, सरदार सर में कार्यालय, रतनगढ़ में कार्यालय, चूरू में आप लोग किराए को दफ्तर है जी को 2500 रुपये महीना किराए दे आप कि घरे कार्यालय को चले गेला जी को दौर चाले नहीं राष्ट्रवाद आरो देशद्रोही आरो राष्ट्र भगत आरो बीटे मोर लगा दी बोले तो जेएनयू को समर्थन करे और जितना भी नक्सलवादी आतंकवादी ऐर पैर जिता है पैसे जेएनयू निचरे बोला किसान मजदूर बहुत खाली कर रहा वो धर बापू जी और ईट बोला के नहीं मिली आ तो जाइयो मत तो सावल करके आइयो अंपाई मैं पक्ष में कोनी काम पाकिंगे करे जाके कोई प्रदर्शन करा। लेकिन आज आई सरकार आके दिल्ली वाली सरकार के जयपुर खोट करे, जयपुर वाली सरकार के दिल्ली खोट करे, जब अपनी आप मजबूरी होगी 30 अप्रैल की मीटिंग के बाद में क्या जनप्रतिनिधि ने सवाल जवाब आपने पूछना पड़ेगा। आज जनप्रतिनिधि के माध्यम आप दिल्ली मीटिंग न्यारी होगी,
जयपुर फसल बीमा के फैसले पर न्यारी मीटिंग होगी। हम पहुंचावा के एक मीटिंग इसी होवे जिका में चूरू को कलेक्टर होवे जयपुर होवे दिल्ली होवे तीनों जना बैठ के फैसलो करके सोने तरीके में ले आगे देखे। आपका मकसद वो है अपन कोई सपनों को नहीं है ना एमपी एमएलए ना ज्ञापन दिया ना कोई इकट्ठी को महाराज दूजा करी के थे एक 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 नारे ला जो एमपी एमएलए चढ़ा दो ये लड़ाई की गंभीरता ने समझ गए। और मैं मेरे वक्ता साथियों निवेदन को है कहूं कहता हो भी थे देख हो राजगढ़ पड़ाव देन हुआ है देगी बैठ गया देख हो तारानगर में कृषि उपज मंडी महापंचायत करनी है आ कर ली देख हो के पैदल चाल के आनो है कहूं दो किलोमीटर कहूं दो दिन कहूं पांच दिन चाल के ए उरा आ गया आग नु के चो आने तो आ बताओ कि थाने और के करनो है गांव में जाके प्यानो प्रोग्राम दो के आज जिकाया और ते गम में जाओगा पर जाके गम में के करनो है गम में लोगन बतानी के ए ईसाई वाल मो बेज का गम में गुल्लो में की को पुट्टा बने दियो ईसाई वाल मो थार खातर जी का बलाओ बठावे मरणो मान रहा के बने दियो तो थारे में फिर बे गुल्ला में की पत्ता पुट्टा बा नेताओं में थारे फर्क की है जी को आदमी काम करे बिन बेहतर काम दे आज का लोग सहयोग कर रहे हैं सहयोग करने वाला लोग कौन कौन है बन एक लिस्ट तैयार करो कार्यकर्ता साथियों निवेदन तो बंतो रहे अठा मैस को जिका लोग काम संभाल रखे सीताराम जी झाझड़िया जी कभी ताओ का सारे रे बहु नाम लो कि दिख भाई अपना इंतजार है और कोई समस्या हुए ये सामने बस डबल ओडा है व्यवस्था करे बी डे में जिको को के ऐसी हो गया वैसी हो गया तो अठू आवाम भी करी करो कि व्यवस्था क्या बनाए रखनी है एक कार्यक्रम बनाओ ई कार्यक्रम ने और बेहतर चलाने खातर और थारे जी का किसान साथी चूरू तहसील गाइडा है बांसी मेरो निवेदन है वो आंदोलन और पानी दो चीजें एक सी गत है ऐसे ठहर जाएगा नहीं बेटा बांस मारेगा पानी चाहे कुंड को हो चाहे नदी को हो चाहे तालाब को हो वो ठहर जाए वो ठहर बाद में वो बांस भी मारे वो भी मैं सेवाड़ भी होगा मैं जीव भी पड़ेगा वो दूषित भी होगा बाकी बात स्थिति आंदोलन की आंदोलन में एक एक बस बैठा हाँ बस बैठा फिर वो बदू मारन लग जाओ मैं निरंतर बहतो रहना चाहिए और बहते पानी में बूटिया कह गया कि कोई मल हो गई तो आंदोलन और पानी दोनों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए पर निरंतरता जब बनेगी कि 9 तारीख तक का प्रोग्राम तो अपना तय कर लेना है अगला प्रोग्राम आप बता के आगे और तय कर लेंगे जब तानी राज के परेशानियां पैदा नहीं होगी बटे तानी अपनी बात सुनने के लिए राज तैयार को नहीं होगी और राज के परेशानियां होसी या 2 तारीख में होगी झटदनी सी परेशानी कईयां में नींद की दिक्कत होगी कईयां में पेट की दिक्कत होगी कईयां में बीपी की दिक्कत होगी कईयां में शुगर की दिक्कत होगी ते मौकली संख्या में जुलूस लेके इतनी दूर तानी आठे पहुंचा वैसे बड़ा में दिक्कत होगी भी बाद में आना शुरू है पहले आए गए कभी तो बस दिक्कत बरकरार रखो पानी बीपी शुगर पंगो पेट में दर्द वो सगी तंग नहीं आनो चाहिए जब तानी हर ली बात नहीं मानी जाए भी बात खातर करनो की है मैं आई तो चाहे कि मैं छगन जी इंदिराज जी उमराव सुनील रामकृष्ण छिंपा मैं इस स्टेज के बाहर कर बंद किया है बैठे कह दो गिरे जाऊं ना ड्यूटी आप ही बदलो सुबह शाम चूरू तहसील के गांव में मीटिंग कर जाओ लगातार और जब मीटिंग कर के आओगा बैठेगा लोग आएगा और पर हिसाब लेना पड़ेगा कि आज कितनी गांवों किता गया रही गांवों किता गया जब यहाँ लाग जाओ उनका अड़को तो सरकन लाग रही है दिन में दो बार बात कर लाग जाओ दिल्ली आ रहा दिल्ली बात करेगा जयपुर आ रहा जयपुर करेगा पत्रकार है सामने चूरू जिले में 6 सीट है विधानसभा की राज किंग बनेगा और कोई टाल होगी फैसलो है चूरू है लोकसभा की जरूर एक ही सीट है लेकिन एक ओवरलाइन
दिल्ली के लिए मायने रखे। जब जू वाजपेयी जी के सके एक सीट आ रही चोट हो बाद में एक सीट की गिनती होने लगी पहली कोनी होती। और जब सीपी जोशी के सके एक वोट आ रही चोट हो जब एक वोट की गिनती होनी शुरू होती है पहली को होती 15-20 वोटा ताली गिनता को 15-10 एमएलए एमपीआ ताली गिनता को। अब गिनती होने लगी गांव गांव में चेतना बनाओ संगठन बनाओ आज का आज्ञा पे आज जिम्मेदारी लेके जाओ के काल नुआ या आया बीता तो जरूर बल्कि गुणा हो। देखो कितनी छूट दे रखी है थाने इतनी छूट दे रखी है कि रात में जिका ने सरे पे रह जाइ दिन में जरूर रह जाइ आज छूट भी दे रहा जी के काम है वो टाल कर दो आपको काम भी करो खेत को घर को रिश्तेदारी को ब्याह शादी को लेकिन जी को बेलो है बिन भेज दो। इस वास्ते का लड़ाई लंबी है लड़ाई दोनों सरकार ने बीच में फंसेड़ी है इन आपा ने मजबूती के साथ लड़नी है जीतनी है लड़ना के नाम है। अब हम आपा भेड़ा होता पूरी सारा कोई नहीं जूत बजा गिर सगड़ा टेलीविजन साथ जाएगी सगड़ा आराम साथ जाएगी लड़ाई तो होगी लेकिन बार रिजल्ट तक पूछी कौन पूछी। शौकत सिंह जी अब आप क्या करता बोले लड़ाई प्रजातंत्र में पा है और असली नेतृत्व भी कमांडर को मानी जाएगा जी को भोत ले जिता के भी लिया और भी वो नुकसान भी नहीं होंगे और प्रजातंत्र है और लोकतंत्र है इमें सिर गिनाने की जरूरत है कटाने की जरूरत को नहीं है। आपने समान दिखो आपना जनप्रतिनिधि आपने बीच में आड़ लागे मैं आपको बनता पानी प्याजे फिर फिर करो अगर सारी बात सिरे नहीं चटी मैं आज कह रहा हूं इन जनप्रतिनिधियों के लिए गांव की चौपाल में लोग चार पाई नहीं निकालेंगे पानी और चाय तो दूर की बात है। अगर किसान जीत के यहां से नहीं गया था उम्मीद करेगा ब्याह हम बुला बूंदिया जी वहां बता नहीं ठीक है लेकिन आगलो कार्यक्रम हो के गम में उगाड़ में मजा बाई बाई नेता खतर काटियो जी का थारी सगा बहुत सारे लोग इसे आए जी का ने मंच पर आना है वो शौक को नहीं हो आपका पूर्व विधायक राजगढ़ से इंदर सिंह पूनिया बंगा छोटिया लड़का सतीश पूनिया आपने बीच में बैठे आ गए मैं कह भाई साहब ऊपर बैठो बंदे ना मेरे तो मन करो कि भाई अंपन जागे आनो चाहिए मैं आ गयो मैं मेरी ड्यूटी कर दी मैंने स्टेज पर कौन बैठे कल मनोज न्यांगली आपकी तरफ हने केला कह के समर्थन दे दो शुरू काम है कई बोले कि मनोज आपको नहीं आयो न्याय के पीछे आपको कोई मकसद होगो लेकिन 5,000 रुपया को राशन पानी को सामान भी भेजो उसके बाद कोई राजनीतिक स्वार्थ होगो और हो भी चाहिए सूखा पाका वोट देके जाए भी नाम तो थोड़ा बहुत राजनीतिक स्वार्थ हो तो भी चले। मनोज न्यांगली आपके समर्थन को मुख्यमंत्री प्रोग्राम विषयों को खुशो हो सी जिसो थे जाओ लेकिन भी